हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फॉर लव गैजेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मी 11 अल्ट्रा की पहली सेल के एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहली सेल कंक्लूड कर दी गई है और आई वाज वन ऑफ द बायर्स इन दैट, बट आई शेयर माय एक्सपीरियंस एंड इफ यू आर समवन जिसने ये परचेज करने की कोशिश की हो, आई एम श्योर यू विल बी अलाइन टू द पॉइंट दैट आई विल रेज। इफ यू आस्क मी, दिस कुड हैव बीन प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड बेटर, यस। और दोस्तों, आई डोंट वांट टू डाउन प्ले शाओमी, बट आप इस चीज से अग्री करेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना शाओमी के साथ, वो ऐसा जैसे हमारी क्रिकेट टीम के साथ कि भाई अगर आप जीते तो वी पोर आर हार्ट आउट, लेकिन अगर आप हारे तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, शाओमी ये डिवाइस लगभग 2 महीने के बाद लेके आया, 2 साल बोलने लगा था, सॉरी, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद लेके आ रहा है। तो यू नो, पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग एंड मल्टीपल डिवाइसेस केम अप, सो दे वर लाइक होल्डिंग देमसेल्फ सो बैडली कि यार आए और हम ले, बट देन दीज इश्यूज केम अप। नंबर वन, इंस्ट्रक्शंस। साइट पे इंस्ट्रक्शंस सही नहीं थी। अगर आपने खरीदने की कोशिश की हो तो वहाँ पे लिखा था कि सेल से पहले आप एफ कोड यूज करें, यूज एफ कोड बिफोर द सेल स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और एफ कोड ब्लॉक हो रहा था। अगर आप सहमत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनों ने ये प्रॉब्लम फेस की, बिकॉज आई थिंक वी शुड गिव दिस फीडबैक टू MI कि यार आप 2 महीने बाद फोन ला रहे हो, एटलीस्ट इस चीज को तो अच्छे से प्लान कर लो। And because of the F code getting blocked, people face problem later buying the product. Some called me support, मैंने खुद call किया, they were not able to fix. But then मैंने tweet किया तो मुझे DM में भेजा गया कि भाई आपको sale के शुरू होने के बाद ही F code use करना है. So someone who has not used the F code may not know this. But the point is कि आप जो site पर instructions दी हैं उसी को देख के follow करोगे ना. So that was number one. Number two, the biggest blunder that they did was कि SBI कार्ड पे इनिशियली नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन ही नहीं दी, एंड आई वाज वंडरिंग। सो मैंने भी परचेस कर लिया SBI कार्ड से और 5,000 का जो डिस्काउंट मिलता, बट देन आई हैव टू स्वाइप इट विद फुल अमाउंट, बिकॉज EMI अगर आप कराओगे तो फिर 1500 कम से कम आपको देने पड़ेंगे अगर आप 3 महीने वाली इंस्टॉलमेंट बनवाते हो, बिकॉज 20,000 समथिंग की इंस्टॉलमेंट बनती है, और ज़्यादा जाते हो तो डिस्काउंट कम होता जाता, कोई फ़ायदा नहीं है। सो मुझे नहीं पता, क्योंकि लेटर ऑन आई थिंक 2-3 आवर्स के बाद वहाँ पे नो कॉस्ट EMI दिखाने लग गया, एंड आई एम श्योर सम पीपल मे हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट, बट वॉट अबाउट दोज हु वर नॉट एबल टू डू दिस। यार 70,000-65,000 का जो आप फोन दे रहे हो, अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन वुड बी एबल टू पे दिस मनी अप फ्रंट, राइट। हो सकता है किसी सैलरी 2 लाख 2 लाख को कोई चाहता हो कि यार चल मैं 5,000 रुपया दे दूंगा 1 साल के लिए, मैं फोन ले लूंगा, ये वाला बहुत शौक है मुझे। आई मीन फोन इज इम्प्रेसिव considering few points that I've raised in previous video, so वो मैं वहीं पर बरकरार हूँ, but it's not easy, so I don't know why this was done। और उसके बाद I think मैं कुछ corrective actions भी नहीं लेता कि यार चलो I think ये ऐसा हो गया, so we can do one thing कि जितने भी users से they can be given a F code and could have placed a new order। सो आई थिंक ये मी को देखना चाहिए कि यार एटलीस्ट इतना सडन चेंज नहीं होना चाहिए कि भाई 1 घंटा पहले नो कॉस्ट EMI है, 1 घंटे बाद मतलब पहले नहीं है और बाद में एकदम ऑप्शन आ जाता है। सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड, जो थर्ड पॉइंट ये है कि दाउ दे मेंशन कि आपको 2 स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेंगी एटसेट्रा एटसेट्रा। जहाँ तक एडिशनल एफ कोड की बात थी, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि आपको लेटर डेट पे मिलेगा। मैं इनके सबके जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैंने कैप्चर कर रखे हैं स्क्रीनशॉट्स, तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में आप देख सकते हैं। द पॉइंट इज कि यार एटलीस्ट आप लिखो कब मिलेगा। अब मुझे भी एडिशनल एफ कोड मिला, लेकिन वो आज मिला जाके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मैं ड्यूरिंग सुपर फैन परचेज या जो भी था, मैं वी कुड नॉट डू दैट, राइट। सो वी वांट अनदर साइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगर अब आप एफ कोड यूज करेंगे तो आपको जो सुपर फैन मर्चेंडाइज मिलना है वो नहीं मिलेगा। येस यू मे गेट और इनफैक्ट यू विल गेट दी SBI नो कॉस्ट EMI। सो आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एंड आई थिंक ये एफ कोड जो एडिशनल था वो तभी दे देना चाहिए था। इट मेक्स मोर सेंस, और एटलीस्ट एक क्लैरिटी रखो कि आप कब दे रहे हो, बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड मी सपोर्ट दे सेड कि यार 12 घंटे से 24 घंटे में आपको मिलेगा, देन नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सेड कि 24 वर्किंग आवर्स में मिलेगा। उसके बाद अब जाके जब मैंने ट्वीट्स थोड़े से करे, फिर जाके मुझे DM में वो दिया गया कि आप ये लीजिए एफ कोड एंड देन ट्राई दिस आउट। अब उसमें सुपर फैन का ऑप्शन, बॉक्स मर्चेंडाइज का ऑप्शन खत्म हो चुका है। सो नेट नेट जो मेरी परचेज रही, बिकॉज आई डिडंट गेट दी नो कॉस्ट EMI ऑप्शन, तो मुझे फुल स्वाइप करना पड़ा, एंड देन जो सेकेंड एफ कोड मिला उसमें आई कुड नॉट गेट द सुपर फैन मर्चेंडाइज। सो नेट नेट मैंने दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। येस आई हैव कैंसिल माई मी 11 अल्ट्रा, क्योंकि 65,000 पेइंग एंड इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू बी वन मेरे लिए है, हो सकता है आप दे सकते हो।
अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स दैट आई शेयर इज ऑर्डर का डिटेन होना, उसमें भी लोग परेशान, कईयों के ऑर्डर्स डिटेन कर ले गए फॉर सम रीजन, सो यू कैन सी द ट्वीट्स, देर आर लॉट ऑफ ट्वीट्स ऑन दैट। वो फिर अलग से दर्दी शुरू होगी, पीपल आर लाइक वरिड कब पहुँचेगा कब आएगा एंड ऑन एंड ऑन। सो माई पॉइंट इज, जहाँ पे आपको पता है आप ये डिवाइस इतनी देर बाद ला रहे हो और लोग वेट कर रहे हैं, उसके अलावा आप ट्वीट कर रहे हो कि 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, 15 मिनट रह गया, एटलीस्ट यू शुड प्लान दिस इन अ बेटर वे दैट वन एवरी वन गेट्स अ नो कॉस्ट EMI, राइट, एवरी वन गेट्स अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। यू शुड टेस्ट दिस आउट, एक टेस्ट रन करो कि अगर एक नॉर्मल यूजर बाय करने आता है तो वो क्या करता है। आप यू कैन टेल एनी वन इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और यू नो जो भी साइट मैनेज करता है और एनी वन इन योर टीम के वो क्या यार ये लो एक यू नो टेम्पररी एफोर्ट, ट्राई टू बाय द मी 11 अल्ट्रा एंड सी वट ऑल चैलेंजेस यू फेस। सो आई एम रियली सरप्राइज कि यार ये सब चीज़ें क्यों नहीं टेस्ट होती। सो गाइज, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, डू लेट मी नो इफ यू फेस्ड सिमिलर चैलेंजेस एज वेल, एंड आई थिंक शाओमी इंडिया प्लीज 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 नोट सच फीडबैक्स, एंड आई थिंक यू रियली नीड टू इम्प्रूव। आई गारंटी अगर ये ऑप्शंस दोबारा से इनेबल की जाती हैं, मुझे फिर से एफ कोड मिलता है एंड देन माय गिफ्ट कार्ड इज देयर बिकॉज आई हैव रिटर्न द ऑर्डर, आई विल अगेन परचेज द मी 11 अल्ट्रा ऑन SBI नो कॉस्ट EMI, गिवन द फैक्ट दैट कि मुझे सुपर फैन मर्चेंडाइज भी दिया जाता है। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इफ Xiaomi कैन लुक इन टू दिस सीरियसली। आई विल नॉट से मुझे डाउट है यानी, बट देन दैट्स आई वुड सजेस्ट। सो गाइज, डू लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑन दैट नोट, टेक केयर, स्टे सेफ।